बिलासपुर की सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य है जो आगामी आने वाले जो त्यौहार हैं, इस त्यौहार में लोगों को सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना, असामाजिक और आपराधिक जो तत्व हैं उनको कड़ा संदेश देना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करना है। ये फ्लैग मार्च आज किया जा रहा है और इसके पश्चात सर जो है अलग अलग चेक पॉइंट लगा के लोगों को चेकिंग की जाएगी। थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार दस्तर की दुकानें हैं, एक समय सीमा के पश्चात जो दुकानें खुली थी उसको बंद कराएंगे। कुल मिलाकर हमारा संदेश है लोगों को, लोगों में सुरक्षा की भावना हो और असामाजिक और आपराधिक तत्व के नियंत्रण एवं थोड़ा कार्रवाई करने का प्रयास करना है। न्यायधानी ने बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने व शहर के आदतन बदमाशों को ठीक करने बिलासपुर पुलिस ने कमर कसी है। बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर स्वयं ही रात्रि फ्लैग मार्च पर निकल शहर के चौक चौराहों पर बेवजह घूमने वालों को हिदायत दे रही है। वहीं रात में शराब पीकर के घूमने वालों पे बिलासपुर पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से बिलासपुर में अपराध कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस अब सख्त होती नजर आ रही है। आज पूरे शहर में बिलासपुर पुलिस के द्वारा रात्रि फ्लैग मार्च किया गया, जहां शहर के मुख्य चौक चौराहों पर बेवजह घूमने वालों के चलानी कार्यवाही करते हुए खूब खातिरदारी भी की गई। रात्रि फ्लैग मार्च में बिलासपुर पुलिस के आला अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। आज जितने भी शहर के थाने हैं सभी का बल एक साथ निकला है पूरे शहर में पेट्रोलिंग के लिए। विभिन्न चौक चौराहों पर रुक रुक कर चेकिंग भी कर रहे हैं और एक बार पूरे शहर का एक साथ भ्रमण करने के बाद सभी थाना प्रभारी अपने अपने पेट्रोलिंग को लेकर अपने थाने में भी और फिर देर रात तक पेट्रोलिंग करते रहेंगे। जितने भी अनावश्यक घूमने वाले, बेकार का कुछ सामान रखने वाले, बेसबॉल बैट, चाकू, उस तरह का कोई भी सामान रखने वाले अगर कोई व्यक्ति है उनकी लगातार चेकिंग।